If poker was a subject in school. वर्मा जी, मैथ्स पढ़ाने का तो अभी कोई मतलब ही नहीं रहा। पहले तो बच्चों को प्रोबेबिलिटी सब्जेक्ट ही नहीं आता था, उसके नाम पे मैं उनको इतना डराती थी, मगर अब मैं सवाल पूछू उसके पहले इन लोग के जवाब होते हैं। इतना मैथ स्ट्रॉन्ग हो गया पोकर के आने से इन लोगों का क्या करने का। अब हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। पहले तो मैं बच्चों को डरा देता था कि अगर आप लोगों ने हिंदी का होमवर्क नहीं किया तो आपके माता पिता को स्कूल में बुलाना पड़ेगा अगली बार से। बट अब तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो जैसे मैं ये कहता हूँ तो बच्चे सामने से कहते हैं कि सर हमें पता है कि आप ब्लफ कर रहे हो। यार ये पोकर के कारण तो समझ ही नहीं आता है आजकल के बच्चे एग्जाम हॉल में भी ऐसा गॉगल्स और हुडी वो सब पहन के आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि नजर किधर जा रही है पेपर के बीच में। और दूसरी बात, बीच बीच में ऐसी बातें करते हैं, ओपन, 3x, 5b, XR, समझ ही नहीं आ रहा है। डाउट पूछ रहे हैं कि एक दूसरे को आंसर बता रहे हैं। और सर सबसे परेशान तो मैं हूँ, PT टीचर। पहले बच्चे मुझे इतना प्यार देते थे, दूसरे सब्जेक्ट को मिस करके मेरा क्लास एक्स्ट्रा अटेंड करते थे, बट अब तो मुझे ही टांग देते हैं, कहते कि नहीं, हैंड हिस्ट्री सेशन है, पोकर का क्लास है, उसमें जाना है। हाँ मैं आप सब लोग की बातें समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। सब बच्चे आ रहे बोलते सर फीस मत लो, स्कूलिंग फॉर प्रॉफिट्स कर लो या स्टेकिंग कर लो ना, जब पास हो गए और डॉक्टर इंजीनियर बन गए तब आपको 10% दे देंगे। पोकर से तो बच्चे काफी चीज सीख गए यार, फाइनेंस, मैथ्स एंड माइंड रीडिंग। एक्चुअली इसे बैन क्यों करे, तो गेम ऑफ स्किल निकली।